नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हमने फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ठेस कहानी का अध्ययन अध्यापन किया था। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 11वां गीत कृषक गान रचनाकार दिनेश भारद्वाज द्वारा रचित कविता का अध्ययन अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम विषय प्रवेश तथा प्रास्ताविक, इस कविता का विषय प्रवेश और प्रास्ताविक के बारे में हम विचार करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने कृषक के जीवन पर आधारित इस कविता में अन्नदाता किसान के अभाव भरे जीवन का वर्णन किया है। कवि के मन में किसान के प्रति लगाव और लगाव की भावना के कारण कवि किसान को उनका सम्मान और महत्व फिर से पुनः स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि कृषक के जीवन में सदैव पीड़ा, दुख और दर्द रहता है और उसी पीड़ा और दुख और दर्द का वर्णन दिनेश भारद्वाज जी ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कवि का परिचय। प्रस्तुत कविता के कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार दिनेश भारद्वाज जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में 1943 में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के और किसानों के जीवन पर आधारित इनकी कई रचनाएं, कई पत्र पत्रिकाएं, कई लेख उनके प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके साहित्य में हमारे देश की मिट्टी की सुगंध आती है और इसीलिए उनके जीवन में सदैव किसानों के प्रति सद्भावना रही है। कविता का मूल उद्देश्य। प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य प्रकृति के घटक को दिखाना, मनुष्य का संबंध प्रकृति से जोड़ना, छात्रों के मन में किसानों के प्रति सद्भावना जागृत करना, किसानों के संघर्ष से भरे जीवन का वर्णन करना, किसानों के संघर्ष से भरे जीवन का वर्णन करते हुए कवि भारद्वाज जी ने कई रचनाएं भी उनकी प्रसिद्ध हो चुकी है। उसमें प्रमुख रचनाएं और कृतियां है जन्म और संघर्ष, तृष्णा से तृप्ति तक कविता संग्रह, एकात्मता, एकात्म दोहा संग्रह आदि। धन्यवाद।